प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दया भाभी जल्दी से बताइए ना, आपने क्या खुशखबरी देने के लिए हमको जल्दी बुलाया है? पता है आपका जब से फोन आया ना, तब से मुझे क्यूरियोसिटी हो रही कि पता नहीं कौन सी खुशखबरी होगी। जयबिन जल्दी जल्दी बोलो नहीं बाबा। वो हंसता है का है? बोलिए ना क्या खुशखबरी है। बोलो ना दया भाभी प्लीज। अंजलि भाभी नहीं आई। अंजलि भाभी और मेहता साहब कहीं काम से बाहर गए हैं, आप खुशखबरी बताइए ना। बताइए ना दया भाभी। अच्छा अच्छा सुनिए सुनिए, आज शरद पूर्णिमा के दिन मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाली हूँ। डेविन वो खुशखबरी है क्या? हाँ। एक मिनट मला कळलं। दया भाभी या तो आप अहमदाबाद जा रही है या तो सुंदर भाई यहाँ आ रहे, बरोबर? नहीं नहीं, मैं आज की स्पेशल खुशखबरी बताने वाली हूँ। यस, आज शरद पूर्णिमा के दिन जेठा भाई ने टेरेस पर जाकर चंदा मामा को देखकर दूध पोहा खाने का प्रोग्राम बनाया, राइट? आपने बहुत अच्छा अनुमान लगाया, लेकिन सॉरी मैं आज जो खुशखबरी बताने वाली हूँ ना वो ये नहीं है। दया बेन हम सब ने हार मान ली, अब आप बता भी दीजिए कि क्या है आज की ताजा खबर। खुशखबर। अच्छा बाबा बताती हूँ। तो मेरी प्यारी सहेलियों, बात ये है, मतलब खुशखबर ये है कि गरबा कोई फाल्गुनी बहन पाठक का मुझे फोन आया था। क्या बात कर रहे हो? रियली? तो क्या कहा उन्होंने? अरे फाल्गुनी बहन ने मुझे कहा कि हेलो कैम छो दया बहन, ओळखा पड़ी के नहीं? मधुर आवाज पहचानी हुई लग रही है, लेकिन पहचाना नहीं। कौन आप? अरे कमाल है दया बहन, अभी अभी तो मिले थे, इतनी जल्दी भूल गई क्या? हाँ याद आ गया, बस अब थोड़ा नाम बता दीजिए तो पूरा याद आ जाएगा। अरे दया बहन मैं फाल्गुनी पाठक बोल रही हूँ। अरे आपने खुद मुझे फोन किया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। कैसे फोन किया? आपका नंबर डायल करके और क्या? अच्छा दया बहन आज शरद पूर्णिमा की रात मैंने प्रोग्राम रखा है दूध पोहे का। नहीं नहीं दया बहन, गरबा का प्रोग्राम गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में। अरे वाह, गरबा का प्रोग्राम तो मजा जाएगा, आपके गानों पे गरबा की धमाल हो जाएगी। धमाल तो होगा ही, गोकुल धाम में मैंने आप लोगों के साथ धमाल किया है, अब आप लोगों को यहाँ पर आके धमाल करना है। और हाँ आप सबको आना है। जरूर आएंगे, आप मानोगे नहीं, आपके साथ गरबा खेलने के लिए तो आप जो कहो ना वहाँ आ जाओ। मैं गरबा खेलने के लिए इतनी बेचैन हो रही हूँ ना, बस अब तो जल्दी से रात हो जाए। ठीक है दया बहन, मैंने पासिस भेज दिया है, तो रात को प्रोग्राम में मिलते हैं। हाँ हाँ, जय माता जी। जय माता जी, थैंक यू। तो ऐसा हुआ। बोलो अम्बे, बोल।
अलग है। अरे वहाँ का तो माहौल ही कुछ अलग होता है। नहीं नहीं नहीं, कोई खर्चा नहीं है, फ्री में पास मिलेगा। दया भाभी, मराठी में खरच मतलब सच। दया बहन जी, मुझे फालुनी बहन पाठक ने भेजा है ये पास देने के लिए। थैंक यू। पास आ गए, अब तो बच्चा ही बच्चा है। ये क्या, ये तो छह ही पास है। जी हाँ, सिर्फ छह पास ही दिए थे। अच्छा नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। ये क्या, सिर्फ छह ही पास क्यों भेजे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लोग दूसरे पास भेजना भूल गए होंगे। मैं एक काम करती हूँ, देव भाई या फाल्गुनी बहन से बात करके दूसरे पास मंगवा लेती हूँ। हाँ, फोन नंबर दया भाभी, आप मेरा और अय्यर का पास मत मंगवाइए। क्यों? वो क्या है ना, आज शाम को अय्यर की फ्रेंड की एनिवर्सरी है, तो आज हमें वहीं पे जाना है पार्टी में। ऐसे तो बबीता मुझे पन बाहर जाना है। वो क्या है ना देविन, रोशन ने आज शाम को 6 से 9 की पिक्चर की टिकट्स मंगाई है और उसके बाद फिर डिनर, तो इसलिए आप हम लोगों के पासेस मत मंगवाइएगा। हाँ, क्या है मर्वी भाभी? है ना, है है, मुझे बहुत बड़ा पापड़ का ऑर्डर है। मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए इनका जाना भी कैंसिल। कोमल भाभी, मुझे प्यास लगी है, पानी। हाँ हाँ, लाइए। अरे तुम दोनों ने पैसे इतने अच्छे बहाने बताए, पार्टी पिक्चर पापड़, मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने पानी बोल दिया, अब क्या करूँ? अरे कुछ भी बोल दो ना। आपके घर में पैसे क्या आता है? पैसे दया भाभी, हंस के पेशेंट का बहुत बड़ा ऑर्डर है। बहुत बड़े हंस का पेशेंट का ऑर्डर है। हंस के पेशेंट का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर बहुत बड़ा है, तो मुझे उनके साथ घर पर रहना पड़ेगा, तो आई एम सॉरी, मैं भी नहीं आ सकूंगी। और वैसे भी दया भाभी, हम लोगों को कहाँ गरबे का इतना शौक है। हाँ वो तो है। हाँ, और घर में इतना काम होता है, वो छोड़ के अगर जाएंगे ना तो ये तो बहुत डांटते हैं। माधुरी ऐसो। पहले से पार्टी का प्लान। ये क्या, सबको कुछ न कुछ काम है, इन सबके बिना गरबा में जाना कितना अजीब लगेगा। करो नटू काका, शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे चंदा मामा को देखकर दूध पोहे खाने का मजा ही और है, नहीं? Yes, of course. भागा, चंदा मामा पर से मुझे याद आया, बचपन में मैं तुझे चंदा मामा की कहानियां रोज सुनाता था और तू भी बड़े चाव से सुनता था। एक दिन रक्षाबंधन के दिन क्या हुआ पता है? तू जिद पकड़ के बैठ गया, चंदा मामा मेरी माँ से राखी बंधवाने क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते? अच्छा बोलो, तब से मैं कितना भोला और मासूम हूँ, नहीं? Yes, of course. नटू काका, पोहे साफ हो गए? बस हो रहे बेटा। चलिए रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन अपने पोहे पहले साफ कर लेता है। Yes, good idea. Come on. On your mark. Get set, throw.
अरे क्या कर रहा है बागा? सॉरी सॉरी सेठ जी, लाइए मैं आपको साफ कर देता हूँ। दूर रख। क्या ये? रुमाल। रुमाल में क्या है? कुछ नहीं। अरे वाह, जादू। अरे मतलब उसमें से बास क्या आ रही है इतनी? बास नहीं सेठ जी, सुगंध आ रही है, गुलाब के अत्तर की सुगंध। मैं हमेशा अपने रुमाल में गुलाब का अत्तर लगा के ही रखता हूँ। क्यों, इस रुमाल से रोज किसी एक को बेहोश करने का व्रत रखा है तूने? क्या है? ये क्या है? क्या सेठ जी, इसे पोहे कहते हैं। वो मुझे पता है, लेकिन ये पोहे यहाँ गोडाउन में क्या कर रहे हैं? पोहे गोडाउन में साफ हो रहे हैं। इसमें क्या जोक था? मैंने भी मिस किया नटू काका, फिर से नटू काका। बागा, ये जोक नहीं था। तो फिर आप हंसा क्यों? अरे सेठ जी, मुझे अपने बचपन की उड़ाई गांव की एक बात याद आ गई। अच्छा, मुझे भी बताइए ना नटू काका, प्लीज बताइए ना, एक बार बताइए ना। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। बचपन में अपने उड़ाई गांव में एक बार मेरी माँ ने मुझे शरद पूर्णिमा के दिन आके कहा कि बेटा नटूड़ा, ये पोहे साफ कर दे। तो मैंने क्या किया पता है? एक गीला कपड़ा लिया और एक एक पोहा साफ करने लगा। मतलब नटू काका, आप भी बचपन में भोले और मासूमी थे, नहीं? यस ऑफ कोर्स। ओ भोले बाबा। यस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पोहे यहाँ गोडाउन में क्यों साफ हो रहे हैं? यस ऑफ कोर्स। क्या है सेठ जी, क्या शरद पूर्णिमा के दिन हमारे पद्मावती भोजनालय में सिर्फ खाना मिलता है, दूध पोहे नहीं मिलते? तो दुकान बंद करके निकलते निकलते रात के 9 बज जाएंगे। फिर हम दोनों पद्मावती भोजनालय में जाएंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे, फिर कब घर पे पहुँचेंगे, कब पोहे साफ करेंगे, कब नटुका का दूध पोहे बनाएंगे और कब हम लोग खाएंगे? इसीलिए ये पोहे गोडाउन में साफ हो रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट सेठ जी। 11:30। वैसे ये तो अच्छा कि आप लोग खाना पद्मावती भोजनालय में खा रहे। अगर पोहे की तरह खुद बनाकर खाते होते तो रोज दुकान में सब्जी काटते काटते, आटा गुनते गुनते कस्टमर को एलसीडी बेचते, नहीं? यस ऑफ कोर्स। वैसे सेठ जी, नट्टू काका बहुत बढ़िया दूध पोहे बनाते हैं, तो आज रात हमारे घर आकर हमारे साथ दूध पोहे खाइए ना। नहीं, थैंक यू बागा, लेकिन क्या है, हमारे घर पे भी दया है ना, बहुत बढ़िया बनाती है दूध पोहा। तो मैं तो घर पे ही खाऊंगा। अरे वैसे काम करो, ये सब रहना तो तुम दोनों भी आ जाओ वहीं घर पे दूध पोहा खाने के लिए। नो थैंक्स, बट सेठ जी, शरद पूर्णिमा के दिन तो मैं अपने हाथों से बनाए हुए दूध पोहे ही खाता हूँ, प्लीज डोंट माइंड। नटू काका कह रहे हैं क्या, बुरा मत मानना। नहीं नहीं, इसमें बुरा क्या मानना नटू काका, नो माइंड। थैंक यू सेठ जी, बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब, अभी हम लोग थोड़ा काम करने जा रहे हैं। मेहरबानी, प्लीज बागा, बागा कम ऑन गो ऑफ। यस ऑफ कोर्स। चाचा भतीजा। हाँ दया बोल। टप्पू के पापा, क्या कर रहे हो दुकान में? क्या करूंगा मैं, काम कितना भी नहीं पता। अरे दया, टाइम पास मत कर, जल्दी बोल, फोन क्यों किया? शरद पूर्णिमा है तो गरबा कर, फागुनी पैटर्न में गरबा का प्रोग्राम है तो फागुनी पैटर्न में खुद फोन करो, दया वहां जाने के लिए आपसे दे देना। ए हक्का नूडल, चाइनीज की तरह क्या गुनगुन 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 कर रही है, क्या बोली कुछ समझ में नहीं आया। अरे आपने ही तो बोला ना, जल्दी जल्दी बोलिए।
बच्चों बाबा सुनिए सुनिए, आज क्या हुआ? भाई भाई दया, क्या सुनाई है तूने बात? फाल्गुनी पाठक के सुरों के साथ मनाएंगे हम आज शरद पूनम की रात। वाह वाह सायर जी, शायरी में तो मजा गया, लेकिन गरबा में मजा नहीं आएगा। क्यों? वो गोकुल धाम सोसाइटी की मेरी सभी सहेलियों को आज कुछ ना कुछ काम है। तो आज वो साथ में नहीं आएगी। ले, सभी को एक साथ में काम आ गया? हो देखो ना। अबे नहीं आ सकते है तो नहीं आ सकते, हम क्या कर सकते हैं दया। अच्छा कितने? 6 पास है ना, तो ठीक है हम 4 और मैं वो 2 पास में मेहता साहब और अंजलि भाभी को बोल देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ बोल दीजिए। और टिप्पू के पापा आज दुकान से जरा जल्दी आ जाना, हाँ कहीं लेट ना हो जाए। अरे भाई फाल्गुनी पाठक के पास मिले हो तो कोई बेवकूफी लेट आ सकता है, मैं नहीं समझी। चल 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 जल्दी फोन रख, शाम को मिलते हैं। ओके चलो, स्त्री के कपड़े भी हो गए, आज अचार और पापड़ की डिलीवरी करने भी नहीं जाना है, भिड़े अभी मस्त आराम में आराम। अरे ये सोनू, वो कंप्यूटर पे खेलना बंद करो। ओके मैं टपू सेना के साथ जाके खेलते हूँ। नहीं नहीं थोड़ी देर और खेल। आज ही होए। स्त्री का चटका लग गया। कहाँ ध्यान होता है आपका, मलम लगा लीजिए जल्दी से। नहीं नहीं इतना भी नहीं लगाए। तो इतना क्यों चिल्लाए? कमाले मिका मंडे, आप नीचे जा रहे हो? नहीं जाएंगे। कुछ चाहिए? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। अगर आप गलती से नीचे गए और गलती से दया भाभी आपको मिली तो आपको कहना है कि हमें बहुत बड़ा ऑर्डर है और हम लोग बहुत बिजी, कर लो। माधवी ये क्या हो गया तुम्हें, तुम कब से झूठ बोलना सीख गई? हाँ माला कि हमारे पास बड़ा ऑर्डर नहीं है तो दिखावा क्यों करने का कि हमें बड़ा ऑर्डर मिला है? झूठ क्यों बोलने का? शाहो प्लेटफॉर्म आने से पहले ही ट्रेन से क्यों कूद जाते हो आप? मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए पहले, आधे में ही कूद जाते हो। ठीक सॉरी सॉरी, बोलो क्या बात है? क्या है, आज शरद पूर्णिमा है और फाल्गुनी पाठक का आज रात को स्पेशल गरबा रास है। बरोबर माधवी, बिल्कुल बरोबर। फिर तुमने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्डर है, ये बहाना सही है। चलिए दया भाभी धर्म संकट में पड़ जाती ना, अभी उनके पास सिर्फ 6 पास है और हम 2 डजन गोकुलधाम वासी, किस किस को लेके जाती वो? तेज ना बाबा प्लीज चले ना, बहुत मजा आएगा फाल्गुनी पाठक के गरबा में। सोनू पूरे नवरात्रि में हम लोग यहाँ पे गरबा खेले, एक दिन खुद फाल्गुनी जी यहाँ पे आई थी हम लोग के साथ गरबा खेलने के लिए, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा? लेकिन बाबा वहाँ पे खेलने का मजा ही कुछ और आता है, बहुत बड़ी जगह होती है, 5 से 10 हजार लोग होते हैं और एकदम हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक होता है, बहुत मजा आएगा। चलो ना बाबा प्लीज प्लीज चले ना, बहुत मजा आएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। आहो मीका म्हणते सोनू बिचारी कभी किसी चीज के लिए डिमांड नहीं करती, उसकी खुशी के लिए जाते हैं ना, प्लीज। हाँ प्लीज ठीक है जाएंगे। वाओ थैंक यू। आप जेठा भाई को फोन कीजिए ना जल्दी से। जेठा लोगों की फोन करूं मैं? अरे पास अरेंज करेंगे वो। नहीं 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 मैं जेठा लोगों को पास के लिए फोन नहीं करूंगा, क्या मैं जेठा के पास पास मांगूंगा, जेठा किसी और के पास पास मांगेगा, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। माजी तो हम लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन हम लोग पास खरीद कर जाएंगे। वाओ थैंक यू, मैं अपने फ्रेंड्स को बोल के आती हूँ, बाय। हेलो हेलो हेलो, मैं क्या कहती हूँ, हम अकेले ही जाएंगे, बाकी गोकुलधाम वाले। हाँ मैं सभी को फोन करके बोल देता हूँ। हाँ तेज सोढ़ी। थैंक यू।
दोस्तों मुझे लगता है आधुनिक युग को कलयुग नहीं, इन दोनों कर्ज युग कहना चाहिए। बैंक हर चीज के लिए कर्ज लोन देने के लिए तैयार है। वैसे जिंदगी में कर्ज सिर्फ धन का नहीं होता, कर्ज मेहरबानी का, मदद का, रिश्तों का, दोस्ती का, इनका कर्ज भी होता है। तभी तो हमारे मास्टर भिड़े ने ये फैसला किया कि वो मेहरबानी का कर्ज यानी कि ऑब्लिगेशन नहीं लेंगे जेठालाल से, और फाल्गुनी पाठक के डांडिया के पास से खुद खरीदेंगे। पर इन दोनों का रिश्ता भी बिल्कुल सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरह है। बैंक से जब नोटों की गड्डी आती है तो नोट कैसे साथ साथ रहते हैं, ये वैसे नहीं रहते, ये तो चिल्लर की तरह रहते हैं, हमेशा खनकते रहते हैं। अब देखना ये है, जब ये पासेस लेंगे भिड़े तो फाल्गुनी पाठक के डांडिया के कमाल से ज्यादा धमाल होगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।